नमस्कार दोस्तों, आपका मैं भुवनेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल शक्तिशाली किसान पर सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाई, आज मैं दिखाने वाला हूं ये जूस मशीन है, जो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है। जो किसान भाई घर पे बेरोजगार हैं, उनको ये रोजगार साबित होने वाली है। कैसे साबित होने वाली है पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। दूसरी बात, इस मशीनें डीजल से चलेंगी, पेट्रोल से चलेंगी, और पेट्रोल के साथ साथ ये बिजली से और इन्वर्टर से चलने वाली है। इन मशीनों का क्या फायदा होने वाला, और इन मशीनों से दूसरी बात, किस तरह किसान भाई को सफाई मिलने वाली है और जो गंदगी है उसको दूर करने वाली है, पूरी जानकारी जो कंपनी के सर हमारे साथ जुड़े हुए उनसे मिलते हैं, परिचय करते हैं। नमस्कार राहुल भाई जी। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, और कैसे हो राहुल जी? बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद है शर्मा जी आपका। 2024 में आपने ये जूसर मशीन तैयार की है जी, क्या खासियत है वो पूरी जानकारी दें। सबसे पहला आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, मेरा नाम है राहुल शिबर। मैं और मेरे छोटे भाई साहब पादल जी, जी हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहां पे हमारी कंपनी है शिबर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम जी। दोस्तों, जो हमारी कंपनी है आपके लिए समय के हिसाब से नए नए किस्म के बिजनेस आइडियाज, नई नई इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट लेके आती है जी, जिससे आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने लिए खुद का रोजगार भी बना सकते हैं। अब क्या है, जैसे आने वाला जो सीजन है, अब होली का टाइम आ गया है, इसके बाद अब गर्मी आएगी, तो गर्मियों में सबसे जो ज्यादा काम होता है वो होता है गन्ने के रस का। बिल्कुल, अब बिल्कुल। जैसे कि मेरे भाई शर्मा जी बता रहे थे, ये खुद एक किसान है, गन्ने की खेती करते हैं। जब ये गन्ने को मिल में लेके जाते हैं तो वहां पे अच्छा दाम नहीं मिलता है जी। ठीक है जी, वहां पे जो दाम मिलता है वो 300-400 रुपए क्विंटल का रेट है। बिल्कुल सही बात। अगर प्रति गन्ने अगर रेट निकाले तो 2.5-3-4 रुपए का एक गन्ना बिकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का गन्ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मशीन्स हैं जी, इनके माध्यम से जी आप अपना काम तो कर ही सकते हैं जी, अपने बच्चों का, अपने बूढ़ों का, अपने माता पिता का, सेहत का ख्याल रख सकते हैं जी, क्योंकि गर्मियों में जो गन्ने का रस है जी, छोटे से लेके बूढ़े तक हर एक बंदे को पसंद है गन्ने का। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब हम बाजार में गन्ने के ठेले पे जाते हैं, वहां पे जब हम देखते हैं वही डीजल वाली भारी भरकम मशीन चल रही है, जिसमें हाइजीन का ख्याल नहीं है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, एक ही गन्ने को 5-6 बार शर्मा जी कहते हैं और निकालो जी, 5-6 बार जब वो गन्ने को डालते हैं जी, तो उसमें वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता जी। ये जो मॉडल हमने डिजाइन किए हैं, इनको इस हिसाब से डिजाइन किया है जी, कि एक ही बार में जी जो आप गन्ना डालेंगे, किसी भी किस्म का गन्ना हो जी, मोटा हो, पतला हो, बारीक हो, मोटा हो जी, हर एक गन्ने का रस एक ही बार में ये निकाल के देगी। वीडियो में बोल रहा हूँ, एक बार में निकाल के देगी, दोबारा लगाना पड़ेगा सर? अरे शर्मा जी, लाइव वीडियो में कह रहा हूँ, एक ही बार निकालेगी। अगर एक बार आपको अच्छा ना लगे जी, तो ये 5 मशीन पड़ी है, 5 की 5 आपको दे दूंगा, यहीं पे कह दूंगा ओके बाय बाय। किसान भाई, ये देखो कितनी बड़ी बात, एक फेरे में सारे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन, यदि जूस ना निकाले तो पूरी मशीन फ्री मिलने वाली है वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं, जैसे आपका ये मैं फर्स्ट मॉडल देख रहा हूँ सर जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डीजल का मॉडल आपने तैयार करा है। तो किसान भाई देखो, सबसे पहले डीजल के इंजन की बात करते हैं, कितना छोटा इंजन इसके अंदर सर ने लगा दिया है और कैसा काम करने वाला है, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा सा। शर्मा जी, इसमें 5 HP का डीजल इंजन हमने लगा दिया है जी। अब डीजल इंजन का क्या होता है, जब भी आप डीजल में, इसमें कुछ नहीं करना है जी, रोड साइड लगाना है, अपने खेतों के बाहर लगा सकते हैं जी। जो गन्ना नॉर्मली आप मिलों में जाके 4-5 या 6 रुपए का एक गन्ना बेचते हैं जी, अगर कम से कम मैं कहूंगा आप 10 रुपए का ग्लास भी गन्ने का रस का बेचे जी, तो एक गन्ने से 4 से लेके 5 ग्लास जूस निकलेगा जी। 10 रुपए के हिसाब से भी आप उसी गन्ने से 40 से लेके 50 रुपए तक कमा सकते हो। तो जो गन्ना मिल में 5 रुपए का बिक रहा, उसका मतलब 10 गुना बढ़ के 50 रुपए का गन्ना इस मशीन के द्वारा बिक सकता है। अब बात करते हैं सर, ये घंटे में कितना डीजल लेगी? शर्मा जी, ये जो इंजन डिजाइन किया है, ये घंटे का आपका 700 से लेके 800 ml डीजल कंज्यूम करेगा। अच्छा। और वहीं प्रति घंटे ये जो मशीन है आपका, तकरीबन 350 ग्लास ये मशीन आपको निकाल के देगी। अब बात कर रहे थे सर, घंटे में 700-800 ग्राम डीजल लेगा और घंटे में ग्लास बता रहे हैं 350, एक ग्लास की कीमत 10 रुपए, तो लगभग एक घंटे में 3500 रुपए तैयार करके ये मशीन दे रही है, जिसमें 500 रुपए का मजदूर काट के इस मशीन से एक घंटे में 3000 किसान भाई आराम से कमा सकता है सर। वो भी 500 का मजदूर आप पूरे दिन का काटेंगे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक घंटे में आपको कमा के दे देगी जी। अब बात करते हैं सर, ये दूसरा मॉडल मैं आपका देख रहा हूँ, पेट्रोल का मॉडल आपने तैयार कराया सर, बहुत ही अच्छी इसकी बनावट है, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा सा। अब शर्मा जी, जैसे कि आपने हमें आइडिया दिया कि डीजल इंजन के साथ साथ जी पेट्रोल इंजन पे चलने वाला मॉडल बनाओ, तो हमने ये मॉडल डिजाइन किया है। अच्छा। 7 HP का पेट्रोल इंजन इसमें लगा दिया है जी,
मशीन वैसे ही काम करेगी जी, ये घंटे का आपका 700 से लेके 800 ml पेट्रोल कंज्यूम करेगी जी, और प्रति घंटे आपका 350 से लेके 400 ग्लास ये मशीन आपको निकाल के देगी। अच्छा, अब बात करते हैं सर, गन्ना कितना मोटा इसके अंदर जा सकता है? सर किसी भी किस्म का जी, मोटे से मोटा और बारीक से बारीक गन्ना एक ही बार में उसका रस निकाल के देगी ये मशीन आपको, एक बार में गन्ने का पूरा रस एक फ्रेम में निकाल के दे देगी जी। अब बात करते हैं पेट्रोल की खपत होने वाली इसमें कितनी होने वाली सर? सर ये आपका घंटे का मात्र 700 से लेके 800 ml पेट्रोल कंज्यूम करेगा। अच्छा, और सेफ्टी फीचर का भी ख्याल रखा गया है। अच्छा, आप इसमें जितना भी कोशिश करें आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, जैसे किसान भाई इसको सफाई करना चाहे तो सफाई कैसे करेगा सर? सर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आगे से ये खोल के जी, ये लो जी जी, ये हमने खोला, यहाँ से रोलर दिख गए जी, हल्का सा पानी डालो, मशीन चलाओ और यहाँ से जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो किसान भाई आसानी से इसकी सफाई भी कर सकता है। अब बात करते हैं सर, गन्ना ही गन्ना लगेगा, गन्ने के साथ जैसे पुदीना होता है, नींबू होता है, वो इसके अंदर लग सकता है? सर आप अदरक डालो, पुदीना डालो, नींबू डालो, जो मर्जी डालो आप इसमें। बेलन तो आपके फेल नहीं होंगे सर? बिल्कुल नहीं फेल होंगे जी, तीन तीन बेलन लगे हुए स्टेनलेस स्टील के। किसान भाइयों जितना आप इसके अंदर नींबू लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, लगाइए, अदरक लगा सकते हैं, सब चीज गन्ने के साथ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सर, तीसरा मॉडल मैं आपका देख रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें सर। अब शर्मा जी ये मॉडल हमने निकाला है बिजली पे चलने वाला। अच्छा, 2 HP गियर ड्रिवन मॉडल है जी, इसमें आप देखिए गियर के साथ चलता है, इसमें गन्ने के हिसाब से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है जी, 2 HP की मोटर लगी हुई है जी, और प्रति घंटे ही आपका 400 से लेके 500 ग्लास ये मशीन निकाल के देगी आपको। बिजली कितनी खपत करेगी सर? अरे मात्र घंटे का 1.5 यूनिट बिजली खाएगी शर्मा जी। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री जूस निकालने की तैयारी कर दी आपने सर? बिल्कुल जी, अभी जूस निकालने के लिए लाइव वीडियो में आप देख रहे हो जूस निकल रहा है जी, अभी आपके हाथों से मैं आपको कहूंगा आप अपने शुभ हाथों से इसमें गन्ना डालिए जी, और ताजा ताजा रस निकलेगा, वो पी के अपने कस्टमर दिखाइए कि कितना शुद्ध रस इसमें निकलता है। अच्छा, अब बात करते हैं छोटा, मैं देख रहा हूँ आपका मिनी मॉडल, बनावट बहुत अच्छी लग रही है सर इसकी, इसकी तो ऐसा लग रहा है किसान भाई इसको अपने कंधे पे ले जा सकता है कहीं भी आसानी से। सर ये मॉडल हमने स्पेशली डिजाइन किया है, चाहे आपने घरेलू काम करना है जी, आपने किराए पे चलाना है जी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है जी, आसानी से एक्टिवा पे आगे रख के भी कहीं पे लेके जा सकते हैं जी। ये जो मॉडल है इसमें 1 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई जी, है, बिजली पे तो चलेगा ही चलेगा जी, इन्वर्टर पे भी चलाना चाहते हैं तो उस पे भी ये मॉडल चलेगा। किसान भाई इन्वर्टर पे भी आराम से चला सकता है इसको? बिल्कुल जी। अच्छा, इसकी खपत क्या रहने वाली है सर जूस की? कितना निकालेगा घंटे में? घंटे में यह आपका 300 ग्लास प्लस ये मशीन आपको निकाल के देगी। तो जो मशीन ये काम कर रही है वही ये काम कर रही है? बिल्कुल जी। तो आपने तो बहुत शानदार मशीन छोटे लुक में आपने तैयार कर दी। किसान भाइयों जैसे बड़ा किसान जो है ट्रैक्टर नहीं लेकर अपने मोटरसाइकिल पे इससे बिजनेस कर सकता जी। है। अब बात करते हैं ये जो आपका मैं मॉडल देख रहा हूँ सर, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा सर। अब शर्मा जी ये जो मॉडल आ जाता है सबसे पहले आगे पीछे करने के लिए नीचे पहियों की ऑप्शन हमने दे दी है। किसान भाई ये देख सकते हैं कहीं से भी कहीं तक आराम से इसको ले जा सकते हैं। ये जो मॉडल है दोस्तों इसमें 1.5 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है, ये चेन ड्रिवन मॉडल है। अच्छा, गन्ने ऊपर से डालना है, पीछे से पल्प आ जाना है, जो रस आएगा गन्ने का जी फिल्टर होके इस छन्नी में आएगा। अच्छा, फिल्टर लगा हुआ है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसमें ये सब में है फिल्टर सर? ये मॉडल में फिल्टर है सर। अच्छा अच्छा, ये तो जो गियर ड्रिवन मॉडल है इनमें को आपको नीचे इसके डिब्बा लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें छल्ली लगाने की किसान भाई की दिक्कत खत्म कर दी? बिल्कुल, बिल्कुल जी, वो शुद्ध शुद्ध छानने की जरूरत ही नहीं है रस को। अरे एकदम शुद्ध गन्ने का रस, एक ही बार में आप गन्ना डालिए और गन्ने को जितना मर्जी पेलिए। अच्छा, अब बात करते हैं एक घंटे में कितना जूस निकालेगा सर? सर ये मॉडल भी एक घंटे में 350 ग्लास के करीब ये निकाल के देगा आपको। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो इधर देख रहा हूँ मैं लास्ट मॉडल आपका, इसकी बनावट भी कुछ अलग है सर, ये क्या चीज है इसके बारे में बताएं? अरे शर्मा जी जब आप खेतों से गन्ना लेके आते हैं तो गन्ने के ऊपर पत्तियां भी लगी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी भी लगी रहती है। बिल्कुल, कालक भी लगी रहती है, कालिस रहती है गन्ना में। अब जब गन्ने का रस निकालना है तो क्या करोगे? एक लेबल वाले को बुलाओगे? बिल्कुल, उससे सफाई करवाओगे जी। सफाई कराओगे, कितनी दिहाड़ी चलती है? 500 रुपए तो पक्के हैं सर, 500 रुपया पक्का है। उसके अलावा चाय पानी खाना भी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो झंझट बचाने के लिए, वो पैसा बचाने के लिए हमने ये पीलिंग मशीन बना दी है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना है, आगे से गन्ना डालेंगे, ये अपने आप गन्ने को मांझती हुई साफ करती हुई पीछे से साफ गन्ना बाहर निकाल देगी।
अब बात कर रहे हैं आगे से गन्ना लगाएंगे, गन्ने का ज्यादा जूस तो नहीं काटने की, छुक्कल छुक्कल उतारेंगे, कालिस कालिस सर। अरे सर ये काले से छिलका ही उतारेगी, अच्छा गन्ने का जूस नहीं निकालेगी। ये देखो जी इसमें जो टेक्निक लगाई है शर्मा जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का हमने लगा दिया है। आप देखिए इसमें जी, ये अभी इसका जो पिटाला मैं खोलने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए जी, इसमें हमने कॉपर के ब्रश लगा दिए हैं जी। अच्छा ब्रशों का काम है ऊपर से जो काली से सब कुछ साफ करना, पत्ती है, गंदगी है, धूल मिट्टी है, सब साफ कर देगी। इसके अंदर कोई ब्लेड नहीं लगा हुआ जिससे गन्ने में नुकसान नहीं हो सकता, बिल्कुल किसान भाई ऊपर से ही सफा करने के लिए आपने तैयार करा जी। है। अब बात करते हैं सर इस पर जो मोटर आपने लगा रखी है कितनी एचपी की मोटर है सर? इसमें भी जो हमने मोटर लगाई है जी 1.5 HP की मोटर लगाई हुई है। अच्छा अब बात करते हैं इनकी गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है सर? अरे जी गारंटी वारंटी इनका क्या प्राइस है, क्या मंगाने का प्रोसेस है, सारा विस्तार में मेरी वाइफ आपको बताएगी। अच्छा राधे राधे किसान भाई जो भी हमारे देख रहे हैं, जूस निकालने की आपकी मशीन काफी देर से इंतजार में है, इनकी कीमत में और कैसे ली जाएंगी, कहां पर आना पड़ेगा, आप मैडम थोड़ा सा जानकारी दें। बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी अगर आप ये मशीन्स खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारी कंपनी में आ सकते हैं। हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकापुरा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दूसरी ऑप्शन अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर बोलना चाहूंगी 9855219706, हमारा दूसरा नंबर है 9814231007, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और प्राइस की बात करते हैं, ये जो पहली मशीन है जो पीलिंग मशीन है इसका प्राइस है मात्र 35,000 यानी 35,000 में आप घर पे मंगा सकते हैं। इसके लिए एडवांस आपको 5,000 देना पड़ेगा, इस वाली मशीन पे 5,000 एडवांस में देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा ये दूसरा मॉडल, और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसका प्राइस भी 35,000 ही है जी, इसको मंगाने के लिए भी आपको 5,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। ये तीसरा मॉडल, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं बहुत कॉम्पैक्ट साइज का मॉडल, छोटा सा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इसका प्राइस है मात्र 45,000 यानी 35,000, और इसको मंगाने के लिए आपको 10,000 एडवांस करवाने पड़ेंगे जी। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 50,000 यानी 50,000, इसको मंगाने के लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। अच्छा ये पेट्रोल वाली है? हाँ ये मशीन जो है इसका प्राइस मात्र 60,000 है यानी 60,000, और इसको मंगाने के लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। और ये में ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसका प्राइस भी 60,000 है यानी 60,000, और इसको मंगाने के लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाने पड़ेगा। अच्छा अब बात करते हैं, जैसे किसान भाई इनको ले भी लेते हैं जूस निकालने वाली मशीन, उनको देखने की ताई और रखाब करने के लिए क्या करना है? दूसरी बात, जैसे वो वीडियो कॉल करते हैं आपका स्टाफ नहीं उठाता तो उसके लिए थोड़ी समस्या बताएं। देखिए मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसा होता नहीं है कि वो कॉल ना उठाएं, लेकिन फिर भी अगर इनकेस वो बिजी है, अगर लगातार एक या दो बार आपके कॉल जाने के बाद भी आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो उसका सोल्यूशन हमने निकाला है। आपने एक काम करना है, आपने सीधा स्क्रीनशॉट लेना है कॉल लॉग में जाके, जिस नंबर पे आपने कॉल करा है उस नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है और आपने इस नंबर पे भेज देना है। मैं नंबर बोलना चाहूंगी 9855219706, ये पारुल भाई का नंबर है, आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजें और आपका तुरंत ही समाधान करवाया जाएगा। सर ने जो जानकारी दी है आज जूस निकालने वाली मशीनों की पूरी जानकारी दे दी है, जो किसान भाई लेना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।